अपने पट्टों में मट्टी डाल रहे थे तो क्या नाम है उस उन्होंने हमारे पे ईंट बरसानी शुरू करी। फिर उन्होंने इसका जो लेडीज आया इसका मारा, उन्होंने ईंट मारी फेंक कर। आज से लगभग 15 साल पहले दलित समाज को यहाँ सरकार के द्वारा आवासीय पट्टे दिए गए थे, तो उसमें समय समय पर गरीब लोगों ने जो है आय के हिसाब से मकान बनाने स्टार्ट किए, कुछ बने कुछ नहीं बने, नहीं कुछ बने थे उन लोगों ने जबरन करके तोड़ दिया। और हमारे पट्टों में जो सरकार के दिए पट्टे हैं उनके भी हिस्से वो अवैध तरीके से बिना किसी उसके, जबकि पहले से वहाँ कोई नाला नाली नहीं है और जो है उनको जो है पानी निकालना चाह रहे अपने पट्टे में माटी गिरे थे वहाँ, गिर तो गिर तो उन्होंने इंटी बरसाई थी, फिर भी हम गिरते रहे। मगर चलो कोई बात नहीं, हम नहीं मारते इंटी, फिर भी हमारे पर इंटी मारते रहे। फावड़ा भी गया, फावड़ा तो खैर बचेगा, फिर इंटी मारी उन्होंने मेरे पर, इंटी लगी अब पर। ये सब तालाब है सर, तालाब के साइड में जो ये भरा हुआ है, ये बटोड़े वगैरह खड़े हुए हैं, ये सब जो है बंजर भूमि है। इन्होंने जो है दबंग लोगों ने जो है इसमें जो है वैध कब्जा कर रखा हुआ है। और जो है उधर उधर को हमारी साइड में भी जो है नाला पास कर रहा है, आज वो दिखा सकते हैं भाई। हमारे मकान भी बने हुए हैं जी, कुछ इधर बने हुए हैं कुछ इधर बने हुए हैं। और जी पट्टों के बीच में देखो नाला से निकालना चाह रहे हैं। ये सब जो है नाले की भूमि है, वो क्या नाम पट्टे की भूमि है, ये सब पट्टे है हमारे। जो वहाँ से वहाँ तक आज 23 पट्टे अवेंटन करे हुए हैं जी। ये मकान था जी यहाँ पे, नीचे जी किसी गिरवा जी, और देखो तो आपके सामने पड़ा हुआ सब पूरा कोठा हो गया तैयार जी। ये हमारा प्लाट है सर, जिसमें को भी देखो बताओ क्या कर ले जी, ना तो हम गोते पा सकते जी, ना ही बटोड़ा भी एक बटोड़ा खड़ा था जी, हाँ वो भी बेकार ही हो गया जी, और गोबर गाबर सारा बेकार जी। बताओ यहाँ कीचड़ में कैसे आ जाए जी और कैसे चल जाए जी। हमारे कोशिश की है ना, सोचते हैं लोग यहाँ ले लो भाई खोस लो, पूरा हाल कर रखा है, केला करके पूरी बस्ती को जाना परेशान कर रखा है। थप्पड़ मार मेरे यहाँ से यहाँ आना, फैक्ट्री को बंद कराया है, ठीक है फैक्ट्री बंद कराया। सर बंद करने लगे इसको, मार पिटाई करने लगे, हाट के पीछे लोग इसको बंद नहीं करना, ये जबरदस्ती करने लगे इसको मारने लगे। नई सरकार आने के बाद तो जैसे ही हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं, ज़्यादा ही अत्याचार बढ़ गया, बोले हम पर अत्याचार हो रहा है, इसमें किसी के छुपा नहीं है। और सर जो मान लिया जबरदस्ती से पानी निकाल लेते हैं, हमने उस पर स्टे लिया हुआ है सर, लेकिन हाँ सर कोर्ट से, लेकिन उसके बाद भी जो है हमने पुलिस के यहाँ भी रिपोर्ट कराई, एसओ साहब को भी कहा, कोई कार्रवाई नहीं करे सर। ये सभी इस गुंगी बहरी सरकार की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे दलित समाज जो है बहुत ही कम जनसंख्या में, केवल लगभग 20 घर होंगे, क्योंकि वो इन्हें घर से निकाल देना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक बड़ी महापंचायत हुई, यानी कि एक मीटिंग हुई ठाकुर समाज की, झगड़ा कश्यप समाज के साथ लेकिन मीटिंग होती है ठाकुर समाज की। ये इस गांव की बात नहीं, ये शायद लगभग जो इधर की है जो बेल्ट है ना, इस बेल्ट में लगभग ऐसा ही होता है सबके लिए।